खुश आमदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में। मैं हूँ आपके साथ शब्बीर वानी। जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर अमन की वापसी तक पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जम्मू में इंतखाबी रैली से खताब करते हुए मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा, जम्मू और कश्मीर की तारीख में ये पहला इलेक्शन होगा जब सिर्फ एक झंडा, एक आइन और एक वजीर आजम होगा। अमित शाह का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और अलाइदगी पसंदी को जिंदा करना चाहते हैं और ये बात लिख कर रखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में हुकूमत नहीं बना पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। मैं ये वाजिया करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ना जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो जाएगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को रियासती दर्जा बहाल करने के वादे पर हदफ तनकीद बनाते हुए वजीर दाखला अमित शाह ने कहा, शायद राहुल और उमर अब्दुल्ला मेरी पार्लियामेंट के 5 अगस्त 2019 की तकरीर से बेखबर हैं, जिसमें मैंने वाजिया किया था कि जम्मू और कश्मीर के रियासी दर्जे को असेंबली इंतखाबात के बाद किसी भी मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा, लेकिन मुझे हैरत है कि ये लोग कैसे रियासती दर्जा वापस ला सकते हैं। इस दौरान अमित शाह का मजीद कहना था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को नोश्ताए देवार पढ़ लेना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कभी भी हुकूमत नहीं बना सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो शंकराचार्य का नाम बदल कर तख्ता सुलेमानी रखना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। राह के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुल्लत ने कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इतिहाद बरकरार रहता है तो जम्मू से भी फायदा होगा, लेकिन अगर ये इतिहाद नाकाम होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और जम्मू और कश्मीर में पहली बार एक हिंदू वजीर आला होगा। एक इंटरव्यू में दुल्लत का कहना था कि मरकजी हुकूमत का दावा है कि कश्मीर में नॉर्मलसी है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं बल्कि एबनॉर्मल नॉर्मलसी है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की मजबूत पॉलिसी ने इब्तदाई तौर पर फायदा पहुंचाया है, लेकिन मुसलसल अफवाहें हैं कि एक आतिशफीशा फटने के इंतजार में है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु की फांसी पर हालिया रिमार्क्स ने एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया है। तनाजा अब्दुल्ला के एक इंटरव्यू के दौरान इस बात के बाद शुरू हुआ जब अफजल गुरु की फांसी के लिए रियासत की मंजूरी से मुतल्लिक पूछा गया, जिस पर उमर अब्दुल्ला कहते हैं अगर हुकूमत को इजाजत देनी होती तो ये इजाजत नहीं दी जाती। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मिलिटेंट को फांसी देने की इजाजत नहीं देती है और मुझे नहीं लगता है कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई फायदा या मकसद पूरा हुआ है। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने उमर अब्दुल्ला के रिमार्क्स को भी हिंदुस्तान मुखालिफ का नाम दिया है और कहा कि उमर अब्दुल्ला बराए रास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों पर हैं। अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह की जम्मू आमद बानीहाल और रामबन में 2 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 8 सितंबर को जम्मू वारिद होंगे, जिस दौरान वो बानीहाल और रामबन में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि उनके दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। इधर राजनाथ सिंह के दौरे के पेश नजर जम्मू श्रीनगर शाहरा पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उन मकामात पर भी जहां राजनाथ सिंह को रैलियों से खिताब करना है और उन्हें फोर्सेज की तहवील में दे दिया गया है। असेंबली इंतखाबात का बिगल बजने के बाद दिगर इलाके व कौमी जमातों की तरह वादी कश्मीर में बीजेपी की भी सियासी व इंतखाबी सरगर्मियां बागे अरूज पर हैं और ये जमात 18 सितंबर से होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए कमर बस्ता है। 3 मरहलों पर मोहित असेंबली इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए पार्टी ने 14 हलकों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। जिन हलकों के लिए उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं उनमें कोकरनाग, अनंतनाग, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, बिजबिहारा, शुपियन, राजपुरा, पांपुर, अबाकदल, लालचौक, ईदगाह, छानापुरा, चिरार शरीफ और खान साहब शामिल हैं।
इधर पीरपंचाल के राजौरी जिला के पलमा इलाके में आज एक निजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक तालिब इलम जाबहक हुआ जबकि चार दिगर जख्मी हुए हैं। इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब एक निजी गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर लुढ़क गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 तलबा जख्मी हुए। मालूम हुआ है कि जख्मियों को तिबी इमदाद की खातिर फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने एक तालिब इलम को मुर्दा करार दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने साबिक MLA बच्ची एजाज अहमद मीर को कहा है कि वो 11 सितंबर को जम्मू के NIA अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए एक गवाह के तौर पर पेश हों। खुसूसी नोटिस में हिदायत की गई है कि 11 सितंबर को सुबह के 10 बजे बगैर किसी उजर के अदालत में हाजिर हों। अगर आप बगैर किसी वजह के अदालत में पेश नहीं हुए तो मुनासिब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए 3 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए हैं, जिनके जरिए उम्मीदवार बरवक्त राय दानगाह तक पहुंचेंगे और अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो सकते हैं। ताजा तरीन हिकमत अमली का मकसद दूर दराज इलाकों के लोगों तक उनका पैगाम आसानी और तेजी से पहुँचाना है। बीजेपी के उम्मीदवार जिनमें पार्डर नागसिनी से सुनील शर्मा, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, बदरवास से दलीप परिहार, डोडा से गजा सिंह राणा, डोडा वेस्ट से शक्ति परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर और बानहाल से सलीम भट्ट शामिल हैं, जो अपनी इंतखाबी मुहिम को आसानी से अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। BSF के नए तैनात होने वाले सरबराह दलजीत सिंह चौधरी और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी के इंसदाद के इकदाम पर बातचीत के लिए श्रीनगर में आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जमान कहते हैं कि BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR स्वैन और दिगर आला दर्जे के पुलिस अफसरों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान अफसरों ने सरहदों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में सिक्योरिटी के मौजूदा मंजरनामे पर तवज्जो मरकूज की और लोगों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंसदाद दरअंदाजी के इकदाम पर जोर दिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा सफर को आज याद करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने हमें हिम्मत दी और हमारा हौसला बढ़ाया। ये एक तारीखी लम्हा था जिसने ये यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे खामोशी की खूबसूरती सिखाई। खुशगवार हजूम और नारों के दरमियान मैंने शोर में खामोश रहने और अपने साथ वाले शख्स पर पूरी तवज्जो मरकूज करने की ताकत को महसूस किया। इस सफर के 145 दिनों और उसके बाद के 2 वर्षों के दौरान मैंने मुख्तलिफ किस्म के हजारों हिंदुस्तानियों की बातें सुनी और उनकी हर बात से मेरे लिए हिकमत पैदा हुई। मुझे कुछ नया सीखने को मिला। इस सफर ने साबित किया कि हिंदुस्तानी फितरी तौर पर मोहब्बत करने वाले लोग हैं। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ ये शमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शबीर वानी को दीजिए इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।